ऑथर जैन सेंसेरो अपनी यंग एज में एक शॉर्टेड लाइफ जी रही थी। उनकी फैमिली थी जो उनको काफ़ी सपोर्ट करती थी, कुछ रिलायबल फ्रेंड्स उनके पास थे और साथ ही में उनके पास एक डिसेंट सी जॉब भी थी। मतलब कि वो उनका बिल्कुल एक कूल और ऑसम टाइम था, लेकिन सिर्फ दूसरों की नज़रों में, क्योंकि बाहर से भले ही लोगों को वो कितना भी खुश दिखाई देती पर अंदर से वो हर वक्त फ्रस्ट्रेशन में रहती थी। वो ना तो अपनी उस जॉब से खुश थी और ना ही उसमें मिलने वाली सैलरी से, एंड इतनी हिम्मत भी उनके अंदर नहीं थी कि वो उस जॉब को क्विट कर दे। वो जब भी खुद के साथ अकेले में टाइम बिताती थी तो उसी वक्त उनका माइंड उनसे नेगेटिव सवाल जवाब करने लगता था। क्या मैं खुद के लिए बस इतना ही कर सकती हूँ? क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। तो इसी वजह से अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपना टाइम ऑथर सोशल मीडिया जैसी चीज़ों में ज़ाया करने लगी। वो घर आते ही अपने फ़ोन में घंटों बिता देती थी। बट इस सब के बावजूद भी वो एट द एंड खुद को सेल्फ डाउट, एंजाइटी और फेलियर्स के बीच ही देखती थी। फिर एक दिन उन्होंने जब अपनी ये बात उनकी एक फ्रेंड से बताई तो उन्होंने ऑथर से कहा कि जैन, मुझे लगता है तुम खुद पर ज़्यादा ही डाउट करने लगी हो। मैं एक साइकियाट्रिस्ट का एड्रेस देती हूँ, तुम्हें वहाँ पर जाकर अपना चेकअप करा लेना चाहिए। फिर अगले दिन ऑथर साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हैं और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती हैं। ऑथर की एक एक बात गौर से सुनने के बाद जब वो साइकियाट्रिस्ट इसके पीछे का रीज़न उनको बताती हैं तो ये जानकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? वेल, उन्होंने ऑथर से ये कहा कि देखो, आपकी बातों से जहाँ तक मैं जान पा रही हूँ, आप एक ऐसी जगह पर रहती हो जहाँ के लोग आपसे ज़्यादा कामयाब हैं और रात दिन आप अपने आसपास ऐसे ही लोगों को देखती हो, पर आप उनसे इंस्पायर होने की जगह अपने आप को और अपने लुक को उनसे कंपेयर कर रही हो और सोच रही हो कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। फिर रही सही जो कसर रह जाती है वो तुम्हारा सोशल मीडिया निकाल देता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई इंसान अपना बेस्ट ही दिखाने की कोशिश करता है और तुम अपने आप को उनसे भी कंपेयर कर रही हो। यही रूट कॉज है तुम्हारी टेंशन, स्ट्रेस और खुद पर डाउट करने का। फिर उन्होंने ऑथर को इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है ये बातें भी समझाई, जिसके बाद धीरे धीरे ऑथर की लाइफ बेटर होती चली गई। उनकी वो जॉब जिससे वो कल तक नफरत करती आ रही थी, उसको वो पूरे दिल से और मन लगाकर काम करने लगी, जिससे थोड़े ही दिनों में कंपनी ने उनका हार्डवर्क देखकर उनको प्रमोशन दे दिया और इससे उनको मिलने वाली सैलरी भी डबल हो गई। अब ना तो वो खुद को दूसरों से कंपेयर कर रही थी और ना ही किसी की बातों को दिल पर ले रही थी। उनकी लाइफ अब बिल्कुल एक सही ट्रैक पर आ चुकी थी। फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने वो सारी बातें मेंशन की जो उस टाइम उनको फेस करनी पड़ी थी, पर इसी के साथ उन्होंने उसमें इसका सोल्यूशन भी बताया है ताकि आप उनकी गलतियों से कुछ सीख पाओ और अपनी लाइफ में इनको ना दोहरा पाओ। एंड गाइज, इसी बुक की समरी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, सो लेट्स बिगिन। पहली बात जो ऑथर ने सीखी वो थी डोंट थिंक अबाउट अदर्स। राइट ब्रदर्स को कौन नहीं जानता, उनकी वजह से ही लोग कुछ ही घंटों में ट्रैवल करके मीलों की दूरी तय कर लेते हैं एरोप्लेन्स के थ्रू। बट एक बार जरा सोच कर देखिए, 90s के टाइम में उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ को इन्वेंट कर पाना कितना मुश्किल रहा होगा, इवन था भी। जब ये दोनों भाई अपने इन्वेंशन पर काम कर रहे थे तो जो भी लोग उनको ये सब करते हुए देखते उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते और कहते, ये हमें इस टीन के डब्बे में हवा में उड़ाएंगे, वाह क्या बात है। कुछ लोगों ने तो उन दोनों को पागल भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको ये पता ही था कि ये चीज़ हमको क्या ही हवा में उड़ाएगी। लेकिन जब इन दोनों भाइयों ने हवाई जहाज़ बना लिया और उसमें उड़ान भरी तो वो लोग जो इनके फेल होने का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग अब इनकी तारीफ़ करने लगे और कहने लगे, भाई हमें तो पता ही था तुम ये ज़रूर करके दिखाओगे। वेल गाइस, कई लोगों में ये आदत होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे वो ये सोच सोच कर ही अपना बहुत टाइम ख़राब कर देते हैं। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोग आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें ही किए जा रहे हैं तो ऐसे में उन पर ध्यान देने की जगह आपको खुद से 3 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, आगे चलकर जो भी आप बनना चाहते हो क्या वो ऐसा काम है जिसकी हेल्प से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो भी काम आप कर रहे हो या फिर करने जा रहे हो क्या उसमें लोगों का कुछ भला होने वाला है। और तीसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपके काम से किसी को हर्ट या नुकसान तो नहीं हो रहा। आपको सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस के बारे में सोचना है और इनका जवाब आपको अपने काम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही निकालना है। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर एक पॉजिटिव वे में दे देते हो और उससे सेटिस्फाइड भी हो जाते हो तो फिर लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना, और एक बार अगर आपका काम सक्सेस कर गया तो फिर उनकी इतना बोलने की भी हिम्मत नहीं होगी। नंबर 2, ऑलवेज लव योर सेल्फ। अरे यार, मैं बहुत मोटा हूँ, मेरी स्किन टोन वाइट क्यों नहीं है, मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, अरे मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, मुझे कोई काम नहीं आता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। इनमें से एक ना एक लाइन आपकी भी ज़रूर होगी, राइट? पर क्या आपने कभी ये गौर किया है कि हम अपने बारे में आखिर ये सब क्यों कहते हैं?
वेल, इस क्वेश्चन का जवाब एक दूसरे क्वेश्चन में छिपा है, जो है कि क्या आप किसी 5 साल के बच्चे को अपने बारे में ये सब कहते हुए देखते हैं? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा ये सब चीजें सोच ही नहीं सकता। बट अगर जब बात 16 साल के बच्चे तक आ जाती है, तो तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इतना बड़ा बच्चा इन सब चीजों के बारे में सोच सकता है, क्योंकि तब उसका माइंड पहले की तरह नहीं रहता बल्कि डेवलप हो चुका होता है। और ये डेवलपमेंट उसको उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी से मिलती है, जो कभी कभी तो पॉजिटिव होती है, बट कुछ केसेस में ये नेगेटिव भी हो जाती है। क्योंकि जिस तरह की बातें वो बच्चा दूसरों से सीखता है, जैसे माहौल में वो रहता है, फिर वो भी अपने आप को सेम उसी माहौल में ढाल लेता है, जिससे उसके और उसके लुक्स के बारे में अगर लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो ये थॉट्स ना सिर्फ उस पर बल्कि उसकी मेंटालिटी पर भी बहुत बुरा असर डालते हैं। क्योंकि तब ऐसे लोगों को ये लगने लगता है कि हमारे अंदर ढेर सारी कमियां हैं, एंड एट द एंड ये चीज उनको आगे बढ़ने से भी रोक देती है। इसीलिए ऑथर ये एडवाइस करती हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को एक नए तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। आप जैसे भी हैं, इस दुनिया के 7.9 बिलियन लोगों से बिल्कुल अलग और यूनिक हैं, और इस चीज पर आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए, गम नहीं। नंबर 3, प्रेजेंट इज अ पिजन। ऑथर कहती हैं कि कबूतर हमेशा आज में जीता है, ना वो अपने बीते हुए कल की गलतियों को सोचकर परेशान होता है, और ना ही आने वाले टाइम की फिक्र करता है। वो मस्त होकर बस यहाँ वहाँ घूमता रहता है और खाना तलाशता रहता है, और जहाँ भी उसको खाना मिल जाता है वो खुश हो जाता है। बट हम ह्यूमंस की ये टेंडेंसी होती है कि हम आज से ज्यादा कल के बारे में सोचते हैं, फिर चाहे वो हमारा बीता हुआ कल हो या फिर आने वाला। हमको हर वक्त अपने बीते हुए कल की टेंशन और आने वाले टाइम की चिंता सताती रहती है, पर ये छोटी छोटी चीज ही हमारी लाइफ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। हमें इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आई हो। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं और चली भी जाती हैं, बट इसके बारे में हमेशा ही सोचते रहना ये बेवकूफी है। और इस बीते और आने वाले कल के चक्कर में हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं, जो अगेन एक बहुत ही बुरी चीज है। और इसी वजह से छोटे बच्चे, एनिमल्स और पक्षी हमेशा ज्यादा खुश और फुलफिल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती, बस वो अपने आज को एंजॉय करते हैं। इसीलिए ऑथर भी ये कहती हैं कि अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता करने की बजाय आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करो और इसको बेटर करो। इससे आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी सुधर जाएगा और फ्यूचर भी आप जैसा चाहेंगे वैसी ही डायरेक्शन पकड़ेगा। नंबर 4, फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। संदीप महेश्वरी का एक बहुत ही फेमस कोट है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जब आप इस दुनिया को एक पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू कर दोगे, तो फिर आपको ये दुनिया सिर्फ पॉजिटिव ही नजर आएगी। चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करना अपने आप में ही एक हैप्पीनेस अचीव करने जैसा है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में हो रही चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं, तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि आप अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। अगर ऐसा आप प्रैक्टिकली करते हैं, तो फिर आप ये इमेजिन करना कि वाकई में ये दुनिया और इस दुनिया के लोग इतने भी नेगेटिव नहीं हैं जितना कि आप सोचते आ रहे थे। अगर कोई आपको किसी बात को लेकर गुस्सा भी कर रहा है, तो उसके पीछे भी कोई रीजन छिपा हुआ है। वो किसी प्रॉब्लम में है और अपने आप को अच्छा फील कराना चाहता है, बट बदले में अगर आप उस पर भी गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे, तो वो इसको एक चैलेंज मानकर आप पर और भड़क जाएगा। इसीलिए ऑथर कहती हैं कि लोगों के इमोशंस कभी सेम नहीं होते। अगर एक पल में कोई खुश होता है, तो दूसरे पल में वो दुखी भी हो सकता है। हमें किसी से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे या फिर हमेशा ही दुखी होता रहे, क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में चल रहा है सब टेम्परेरी है, और आप इसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे भी आप आज हैं, एटलीस्ट उन लोगों से बेहतर हैं जो आपसे अभी खराब लाइफ जी रहे हैं। इस तरह का ग्रेटिट्यूड माइंडसेट अगर आपके अंदर बन जाएगा, तो आप पर कभी भी कोई नेगेटिविटी हावी हो ही नहीं सकती। पहले सभी बातें मैंने आपको जैन सिंसेरो की एक बहुत ही फेमस बुक यू आर अ बैडएस से बताई हैं। इस बुक में इसी तरह के और भी बहुत सारे लेसन हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि एक अच्छी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का असली राज क्या है। तो इस बुक को अगर आप फिजिकली पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।